अस्सलाम वालेकुम एमसी फूड चैनल में खुशामदीद। आज थोड़े वास्ते गन क्या मजेदार वीएपीजी बिरयानी दी रेसिपी जिंदा ना टिक्का बिरयानी, जबरदस्त बिरयानी, आला क्वालिटी दी बिरयानी और पकवान सेंटर दे जेड़े भी मलक पाकिस्तान दे दारन उन्हां दी वीएपी बिरयानी ओही स्टाइल होटल स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल जिंदा काम शुरू करें तफसील दे नाल दस्सां तां सब कड़ी कड़े चीज़ां दी जरूरत है जी। चावल है मेरे को स्टीम 2.5 किलो, चिकन है मेरे को जी बिरयानी पीस 2 किलो, आलू बुखारा मेरे को 1/2 किलो, दही है मेरे को 1.5 किलो जी, बिरयानी मसाला मेरे को 2 और टिक्का मसाला मेरे को 2 पैकेट जी। काम शुरू करने सब तो पहले पतीले दे विच असां दही इस्तेमाल करे सो शामिल कर गए सो, टिक्का मसाला और बिरयानी मसाले शामिल कर गए सो 2 पैकेट, टिक्का मसाला 2 पैकेट शामिल करे सो जी। जरदा रंग 1 to 1.5 चम्मच शामिल कर गए सो जी। लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, सादा नमक 3 चम्मच शामिल करे सो और छानी दे नाल अच्छे तरीके नाल मिक्स कर गए सो। देख सकते हो इन तरीके नाल मिक्स कर गए और चिकन जो 2 किलो अच्छी तरह वाश करके खुश करके वो वे शामिल कर गए सो और अच्छे तरीके नाल हाथ की मदद नाल मिक्स करके ते चूल्हे की आग चले सो जी। चूल्हे की आग चला रहे होनी है स्लो आग ते तेज आग ते नहीं, स्टार्टिंग दे स्लो आग ते बाद फुल कर गए, ढक्कन बंद कर गए 5 मिनट सिर्फ, ढक्कन बंद करके ते दम तरके सो 5 मिनट बाद आग फुल खोल दे सो और पानी खुश कर गए सो जी। देख सकते हो 5 मिनट थी गए, पानी साढ़े बिल्कुल खुश थे गए, चूल्हे की आग अस फुल कर दी है जी। आस्ते आस्ते चम्मच चलावने उन तो बाद ऐल 1 लीटर वो शामिल कर गए सो, 1 to 2 मिनट वास्ते ऐसा जड़ा भुनाई कर गए सो, ज़्यादा देर भुनाई नहीं करनी 1 या 2 मिनट जी। तो कफकीर जड़ा ना अच्छे तरीके हलावने के गोश्त तड़ा त्रुटे ना एहतियात दे नाल जी। कोले गर्म करके वो शामिल कर गए सो, अंदर रखे सो कोले ने जैसा जड़ा ना धुआं दे सो, भाप दम ऐल थोड़ा जो उत्ते शामिल कर गए सो जी। देखो देख सकते धुआंदार जबरदस्त दम ते रख दे सो, वजन देखते जी 2 to 3 मिनट दम तो बाद जड़े चा के ते चेक कर गए सो जी। देख सकते हो साडा धुआं कोलियां दा जबरदस्त जायके वास्ते और टिक्का जायका जबरदस्त आला क्वालिटी दा धुआं जी। भाप साड़ी मुकम्मल थी गई, धुआं सड़े की दे कोले असा चा गए सो जी। कोले चावण तो बाद टमाटर जड़ा ना वो असा स्लाइस किए, वो असा उत्ते जड़ा ना ताए ला दे सो टमाटर दी इन तरीके दे नाल ताए ला गए सो। आलू बुखारे दा मेरे कोल पानी वो शामिल कर गए सो, हरा धनिया पुदीना और गाजर स्लाइस थे वो शामिल कर गए सो और ढक्कन बंद कर दे सो। चावलों ने तैयारी करे सो, चावल उबैल कर गए सो, साढ़े टिक्का मसाला बिल्कुल रेडी हो तैयार है जी। पानी साढ़े बिल्कुल उबैल थी गए, सादा नमक हसब जरूरत इस्तेमाल करे सो, ऐल तकरीबन 1 to 1.5 कप, चावल शामिल कर गए सो धो के अच्छे तरीके नाल जी। चावल शामिल करके ते एक उबैल आसी ते असा जड़ा अद्धे चावल काट गए ते अद्धे जड़ा ना असा जड़ा फुल उबैल करना, अद्धे चावल मैं कटेंदा पिया अद्धे असा फुल उबैल कर गए सो। उन तो बाद दम की तैयारी करे सो जी। टिक्के को थोड़ा गर्म कर गए सो, चूल्हा चलाते सालन साढ़ा ठड़े थे चावल उबैल किए हैं थोड़े जो गर्म कर गए सो जी। गर्म करने तो बाद जो चावल उबैल हाफ किए हैं वो भी शामिल कर गए सो, एक ताए ला दे सो हाफ बैल दी जेडे अद्धे बैल की ध्यान देख सकते हो इन तरीके नाल ताए ला दे सो जी। पुदीना हरिया मिर्चा और गाजर स्लाइस थे वो शामिल कर गए सो, ते बाकी जेडे असा फुल चावल बैल किए हैं वो शामिल करे सो। हुण जे फुल चावल बैल थे है हाफ चावल असा तले ता दम ते ला दिते, फुल चावल बैल उत्ते ला दिते इन तरीके नाल ताए ला गए सो बराबर तरीके नाल जी। उन तो बाद जो हरा धनिया गाजर वगैरह स्लाइस थे वो शामिल कर सो, तले चूल्हे की आग चला दे सो, तले तवा रख दें सो, ऐल 1 लीटर गर्म किया ही असा उत्ते वो पा दे सो क्योंकि चावल साड़ा जुड़े ना कला कला खूबसूरत चावल निकले
बिल्कुल अच्छी लुक आवे। देख सकते इन तरीके चावल ते दम असा ला रहे अखबार के नाल कवर कर गए दम ला रहे 15 मिनट 20 मिनट का दम से साडा भी मिनट बाद असं दम खुलेसो इंशाल्लाह जबरदस्त खुशबू आनी पी है जबरदस्त बिरयानी टिक्का बिरयानी रेडी तैयार हो चुकी है। देख सकते हो असं दम खोल के दिखे रहे तक माशाल्लाह जबरदस्त अच्छी खुशबू जी कफकीर की मदद चावलों का दम खुलेसो और एहतियात खुलेसो सा जो तले टिक्का सालन है वो जरा मतलब कि बोटे त्रुटन ना बड़े प्यार दम खोल गए सो देख सकते हो टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी तैयार हो चुकी है जबरदस्त लुक है माशाल्लाह जी। मेरे चैनल को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाई करो और कमेंट्स जरूर कि करो साड़ी रेसिपी तक कैसी लग रही है उम्मीद करें मेरी रेसिपी बड़ी पसंद करें दसो और थोड़ी मेहरबानी शुक्रिया मेरी आने वाली नवी वीडियो इंशाल्लाह जबरदस्त होगी जी। अब्दुल मालिक को दे इजाजत मिलता अगली रेसिपी के साथ ओके जी अल्लाह हाफिज़।